हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम आपको देने वाले हैं अपडेट हमारे अगले मैच के बारे में, जो कि होने वाला है 12 अप्रैल शाम 7:30 बजे चिन्नास्वामी स्टेडियम चेन्नई, बिटवीन आरआर एंड चेन्नई सुपर किंग्स। जी हाँ, जहां बात करें दोनों ही टीमों की, तो दोनों टीम अब तक तीन तीन मैच खेल चुकी है और तीन में से दो मैच उन्होंने जीते भी हैं दोनों ही टीमों ने। तो ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बूस्ट अप एंड दे आर लुकिंग टू मेक अ थर्ड विन टू लेट इट गेट काउंटेड टू देयर अकाउंट। अब बात करें अगर हम दोनों की बैटिंग ऑर्डर और सारी चीजों की, तो पहले आरआर से शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आरआर का बैटिंग ऑर्डर क्या परफेक्टली लाइंड अप है, जहां ओपनिंग में उतरने के लिए जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्होंने पहले भी दो इनिंग्स में 50 से भी ज्यादा रन मिलकर दिए हैं। वहीं इस बार इनके मिडल बैटिंग ऑर्डर में रियान पराग ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही साथ हमें ये देखने को मिला है कि पूरी टीम ही अपना पूरा जी जान लगा रही है, चाहे वो बैटिंग की बात हो या बॉलिंग की। अगर बॉलिंग में भी बात करें तो आर अश्विन, साथ ही साथ ट्रेंट बोल्ट, ये सब भी अपना पूरा बेस्ट दे रहे हैं अपनी टीम को जिताने के लिए। मतलब आरआर की तैयारी तो पूरी तरह से तय है। अब बात करते हैं हम सीएसके की, तो सीएसके की तरफ से अगर देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे ओपनिंग में उतारना बहुत सही रहेंगे। अजिंक्य रहाणे को अगर हम टॉप थ्री में नंबर तीसरे पर उतारते हैं, तो उन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, तो उन्हें उतारना मैच में काफी टीम के लिए सपोर्टिव और वाइज डिसीजन रहेगा। वही बात करें स्पिनर्स की, तो कप्तान धोनी को बहुत अच्छे से पता है कि अपने स्पिनर्स का यूज कैसे करना है और कैसे टीम का पूरा चलता हुआ मैच के डायरेक्शन को बदलना है। अभी बात करें रनों की, तो जैसे ही हम बात करें अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा खेल रहे हैं, वहीं दीपक चहर कुछ खास नहीं खेल रहे। तुषार देशपांडे का भी बहुत बुरा हाल है और शिवम दुबे ने अगर जल्द ही अच्छा नहीं खेला तो वो टीम के लिए सरदर्द बन जाएंगे। गेंदबाजी की बात करें तो मोइन अली ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है, जहां उन्होंने 4 विकेट लिए पूरे मैच में। दूसरी हम बात करें शतरंग की, तो उन्होंने 21 रन देकर 1 विकेट लिया था। और तीसरे हमारे जडेजा साहब, जी हाँ, इनकी पूरी तैयारी है आरआर को हराने की। तो अब देखते हैं, ये मजेदार रहेगा कि कौन सी टीम जीतती है, क्योंकि ये मैच होने वाला है चेन्नई के स्टेडियम में और येलो टी शर्ट पिछले दो मैचेस में पिछले 2021 की जीत के बाद वापस यहां आई है 200 के ऊपर रन बनाने के लिए, और क्योंकि इनका होम स्टेडियम है। सो लेट्स सी अभी क्या होने वाला है। बात करें अगर पिच की, तो पिच जो बल्लेबाज ढंग से रन बनाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। स्पिनर्स की बात करें तो उन्हें स्पिन बॉलिंग एंड सीम बॉलिंग खेलने के लिए बहुत तगड़ा उनको पूरा ग्राउंड मिलेगा। एंड टेम्परेचर सनी रहने वाला है, अब तक 34 डिग्री तापमान तक शायद जाएगी पूरी चीजें, तो मैच काफी एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत रोमांचक सफर भी, क्योंकि ऐसी टीमों के बीच में है जो ऑलरेडी प्लेइंग लाइक पॉइंट टेबल पे टॉप पर हैं। की प्लेयर्स की बात करें तो आरआर के की प्लेयर्स हैं खुद कप्तान संजू सैमसन, इसके अलावा जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल एंड ट्रेंट बोल्ट। और वहीं बात करें अगर हम सीएसके की, तो जडेजा, मोइन अली, साथ ही साथ हमारे खुद कप्तान धोनी भी किसी से कम नहीं है, अजिंक्य रहाणे, अंबायती रायडू, इन्हें कैसे भूल सकते हैं जो रनों की धुआंधार पारी कर रहे हैं। तो टाइम फॉर प्रेडिक्शन, आई से क्योंकि टीम मैच कि अलेका जिस टीम के होम ग्राउंड में है, तो मेरे हिसाब से सीएसके का जीतना ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर मोर अपडेट, फॉर मोर थिंग्स, फॉलो द लिंक गिवन ऑन माय स्क्रीन एंड फॉलो ऑन आवर टेलीग्राम चैनल।